नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए टॉप 30 टफेस्ट क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट के द्वारा अटेम्प्ट नहीं किए गए थे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ये 17 सितंबर 2018 के प्रथम पारी में पूछा गया था। क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राध्वनि ध्वनि तरंगे होती क्या है। तो ये वो ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, और मनुष्य का कान है ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे सुन सकता है। और इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है मतलब अपन नहीं सुन सकते हैं। और ये उत्पन्न कर सकने वाला यहाँ पे जानवर का जो ऑप्शन है वो है पोर्पोइसेज है। ये एक कॉर्डेटा संघ का दांतेदार व्हेल है। और प्राध्वनि तरंगे उत्पन्न करने वाले कुछ अन्य जानवरों के उदाहरण की बात करें तो वो ऑयल बर्ड्स हैं, बैट्स यानी चमगादड़ हैं, यानी ये सभी आपके अल्ट्रासाउंड वेव हैं उत्पन्न करते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें बोला जाता है अवसर्वीय तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव। और अपन जो सुनते हैं वो ऑडिबल होती हैं, सर्वे तरंग होती हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप 2018 में आयोजित हुए ऑल रेलवे एग्जाम के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मात्र 95 रुपये का पेमेंट करके इस व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना होगा और ये सभी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। रेलवे ग्रुप डी 135 पारी NTPC ALP CBT फर्स्ट CBT सेकेंड RPF कांस्टेबल RPF SI और RPF ट्रेड्समैन के एग्जाम, और ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जल का उपयोग करके विखंडित होता है तो कितने किलो जूल प्रति मोल के समतुल्य ऊर्जा निकलती है। करेक्ट आंसर होगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज बॉन्ड क्या होता है, तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसमें आपके एक तो एडिनिन होगा और एडिनिन से राइबोज है ये कनेक्ट होगा, और राइबोज से 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं ये कनेक्ट होंगे। तो इन फॉस्फेट ग्रुप के मध्य जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही हाई एनर्जी का बॉन्ड होता है, इसे बोला जाता है फॉस्फेट लिंकेज, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज बॉन्ड होता है, या फिर इसे फॉस्फो एन हाइड्रेट बॉन्ड भी बोला जाता है। तो ये जब विखंडित होता है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के समतुल्य ऊर्जा निकलती है ATP में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें मरकरी हो जाएगा, उसके बाद निकल, उसके बाद टंगस्टन, और सबसे कम जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो होती है अर्जेंटम यानी सिल्वर की होती है। विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब है किसी पदार्थ की अपने माध्यम से विद्युत आवेश वाहक के प्रवाह का विरोध करना, उनकी क्षमता को बोला जाता है विद्युत प्रतिरोधकता। जितना ज़्यादा विरोध होगा उसमें उतना ही कम करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो बात करें AG की, सिल्वर है, तो सिल्वर में चांदी में सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होती है। मान की बात करें वैल्यू की, तो 1.59 × 10⁻⁸ और विद्युत प्रतिरोधकता का जो इकाई है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ओम मीटर होती है, और विद्युत प्रतिरोधकता को रो से डिनोट किया जाता है। आपको पता है R बराबर होता है रो L/A होता है, और ये रो है आपका विद्युत प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर सबसे कम किसकी है, चांदी की है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है। और उसके बाद जो W है टंगस्टन है, टंगस्टन की 5.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है, और मरकरी की बात करें तो मरकरी की होती है 9.8 × 10⁻⁷ ओम मीटर होती हैं, और निकल की होती है 6.99 × 10⁻⁸। तो यहाँ पर सबसे कम अर्जेंटम है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज़ ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है। 17 सितंबर के सेकेंड पारी का क्वेश्चन है। तो ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज़ ए डिफरेंट माइंड, इस पुस्तक के लेखक है जेरी पिंटो। जेरी पिंटो कहाँ के, भारत के हैं, मुंबई इंडिया के हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जेरी पिंटो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए कौन से घोल का उपयोग किया जाता है। 17 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट का, तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे बोला जाता है, इसका उपयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16 अक्टूबर के थर्ड सेट में पूछा गया था, समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा राहुल शिवशंकर है। बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनके मुख्य संपादक है जयदीप बोस। तो ये दोनों आपको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के लिए कौन सी कंपनी आधिकारिक भागीदार है? जो 2018 में पुरुषों का हॉकी विश्व कप हुआ था भुवनेश्वर इंडिया में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 17 सितंबर के थर्ड सेट में, तो वो कंपनी थी ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन है, आधिकारिक भागीदार थी पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में। ये हुआ था भुवनेश्वर ओडिशा में। कब हुआ था? 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के मध्य हुआ था। कितनी टीमों ने भाग लिया था? टोटल 16 टीमों ने भाग लिया था। वेन्यू था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। चैंपियन रही थी बेल्जियम, फर्स्ट टाइटल है इनका, और जो रनर अप रही है उपविजेता वो रही है नीदरलैंड, और थर्ड पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? 1 अक्टूबर के थर्ड सेट का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंगें किस प्रकृति की होती हैं? 2 नवंबर के थर्ड सेट का क्वेश्चन है। तो ये प्रकृति की होती है अनुदैर्ध्य, हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। मैं आपको बता दूं, द्रव गैस और जो प्लाज्मा अवस्था है उसमें ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य प्रकृति के रूप में चलती हैं, और जबकि ठोसों की बात करें तो ठोसों में ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी संचरण कर सकती हैं। तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग का क्या मतलब है? अनुदैर्ध्य का मतलब है जब ध्वनि तरंगें हवा में या फिर किसी भी माध्यम में चलती हैं, तो यदि माध्यम के कण ध्वनि तरंग की दिशा में गमन करते हैं तब वो होगी आपकी अनुदैर्ध्य तरंग, और यदि माध्यम के कण ध्वनि तरंग की दिशा के लंबवत गमन करते हैं, लंबवत मोशन यानी गति करते हैं, तो वो आपके अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीए की फुल फॉर्म क्या है? पीसीए जो कि बैंकों के वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण है, और ये 2 नवंबर के सेप्ट 3 का क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य प्रफुल्ल मनोहर भाई पटेल किस पार्टी से संबंधित हैं? 5 नवंबर के सेप्ट 1 का क्वेश्चन। पार्टी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और प्रफुल्ल मनोहर भाई पटेल है राज्यसभा, महाराष्ट्र राज्यसभा में एमपी हैं, और पार्टी का नाम है एनसीपी। अगला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? 5 नवंबर की सेप्ट 1 का क्वेश्चन। तो हसन गंगू ने जो साम्राज्य की स्थापना की थी वो था बहमनी साम्राज्य। कब की थी? 1347 में की थी। और भी जो ऑप्शन में दे रखा है संगमा, काकातिया, विजयनगर, इनकी स्थापना किसने की वो भी देख लेते हैं। तो संगमा साम्राज्य की स्थापना की थी हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर। संगम वंश जो कि ये काल रहा इसका 1336 से 1485 की स्थापना की थी। और काकतीय की बात करें तो काकातिया वंश है, इसका संस्थापक था बीटा प्रथम, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरियर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। और दोस्तों पुर्तगाली विजयनगर जो साम्राज्य है उसको विसनागा राज्य के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से बना हुआ है? 5 नवंबर के प्रथम पारी का क्वेश्चन। तो ये सुझाव दिया था हाल्डेन ने, इन्होंने बताया कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैवी अणुओं से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? 17 सितंबर 2018 के प्रथम पारी का क्वेश्चन है। तो अप्रैल 2017 में लास वेगास में जो यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप आयोजित हुई थी उसमें भारत ने टोटल 16 पदक जीते थे। बात करें वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2018 कहां पर आयोजित हुई थी, तो ये हुई थी स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आईसीसी 2018 का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था? और ये है 16 नवंबर के सेप्ट 3 का क्वेश्चन। तो आईसीसी 2018 का जो वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ था ये आयरलैंड में हुआ था, और आयरलैंड की राजधानी के बारे में बात करें तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या है दोस्तों? डबलिन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में ये किसके शासन में तैयार की गई थी?
तो भारतीय दंड संहिता लॉर्ड मैकाले के शासन में तैयार की गई थी। इंग्लिश में बोला जाता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। काफ़ी बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आईपीसी, जो धारा होती है इंडियन पिनल कोड, जिसके तहत कोई भी आपको सज़ा वगैरह सुनाई जाती है। और ये लॉर्ड मैकाले के शासन में तैयार की गई थी भारतीय दंड संहिता 1860 में, और ये 4 दिसंबर के सेप्टर 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है, इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः क्या बना सकता है। तो ये एंडोस्पोर्स बना सकता है। एंडोस्पोर्स एक अवस्था होती है जिसमें यदि बैक्टीरिया के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, यानी वहाँ पर पोषक तत्वों की कमी है, जल या आहार का अभाव है, तो उस स्थिति में बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स अवस्था धारण कर लेता है और बैक्टीरिया 10,000 वर्षों से अधिक आयु तक जीवित रह सकता है। और जैसे यहाँ पर अनुकूल हो जाएगी परिस्थितियाँ, तो उसके बाद वो सक्रिय हो जाएगा दोबारा। तो ये अवस्था होती है एंडोस्पोर्स अवस्था। अगला क्वेश्चन है, विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? तो वर्ल्ड सिटी जो समिट है, ये हुआ था आपके सिंगापुर में 8 से 12 जुलाई 2018 के मध्य हुआ था। और इसका जो विषय यानी थीम थी, वो थी वास योग्य और टिकाऊ शहर, नवाचार एवं सहयोग के माध्यम से भविष्य को अपनाना। और जो नेक्स्ट 7वें विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा 2020 में, कहाँ पर होगा? ये भी आपके सिंगापुर में होगा। और 10 से 12 जुलाई 2019 के मध्य विश्व शहर शिखर सम्मेलन मेयर मंच का आयोजन होगा, ये होगा मेडेलिन, कोलंबिया में। तो ये सभी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एक अन्य देश में विश्व का सबसे बड़ा वीजा केंद्र खोलने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस देश का नाम बताइए। 3 दिसंबर के सेप्ट 3 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीजा केंद्र है जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, बांग्लादेश में खोला गया है, और इसका उद्घाटन किया था राजनाथ सिंह ने, इनका वीजा केंद्र का उद्घाटन किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश में जो वीजा केंद्र खोला गया, उसका उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का जो मूल निवास स्थान है, वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी। और ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। और एक क्वेश्चन और आया था डी ग्रुप में कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे जो सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है दोस्तों डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा नाम है, जिसकी ऊंचाई है 2,737 मीटर है, जो कि नीलगिरी का सबसे सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। बात करें कुमाऊँ पहाड़ियाँ की, तो कुमाऊँ पहाड़ियाँ हैं उत्तराखंड में, गढ़वाल पहाड़ियाँ भी उत्तराखंड में है, खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? खासी है शिलांग मेघालय में। और जो खासी पर्वतीय क्षेत्र है, उसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। खासी पर्वतीय क्षेत्र को पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? 3 दिसंबर के 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये है आर के नारायण। और आर के नारायण, जो कि इनका जन्म हुआ था मद्रास में और 2001 में इनका स्वर्गवास हुआ था, और ये एक इंग्लिश ऑथर हैं आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भारत सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो जो खेलो इंडिया ये गेम्स हैं, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स बोला जाता है, ये होता है दोस्तों प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है अंडर 17 जो स्कूल कैंडिडेट है उनके लिए, और अंडर 21 जो कॉलेज कैंडिडेट है उनके लिए ये खेल प्रतियोगिता होती है। और इसके तहत दोस्तों प्रतिवर्ष बेस्ट 1,000 खिलाड़ियों को, प्रतिवर्ष बेस्ट 1,000 खिलाड़ियों को 5 लाख की वार्षिक स्कॉलरशिप दी जाती है। कितने वर्षों के लिए? तो ये प्रतिवर्ष 8 वर्षों तक दी जाएगी 5 लाख की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और यहाँ पर तो 5 लाख आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब की बार 2019 में ये खेल आयोजित हुए हैं पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में जो खेलो इंडिया गेम्स आयोजित हुए हैं, इसमें प्रथम रैंक पर कौन सा यहाँ पे राज्य रहा है? तो प्रथम रैंक पर रहा है महाराष्ट्र। 2018 में महाराष्ट्र रहा था 2nd रैंक पर, और अब की बार महाराष्ट्र रहा है दोस्तों प्रथम रैंक पर। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 228 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 85 तो गोल्ड है, 62 सिल्वर और 81 है
ब्रॉन्ज मेडल। और सेकेंड पोजीशन पे रहा है आपकी बार हरियाणा। पिछले बार 2018 में हरियाणा प्रथम पोजीशन पे था, आपकी बार सेकेंड पोजीशन पे हैं। और हरियाणा ने जीते हैं 178 मेडल जीते हैं, जिसमें से 62 गोल्ड है। तो यहाँ पर 228 तो महाराष्ट्र ने जीते हैं, 178 हरियाणा ने जीते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपके 2019 में कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता 2019 कहाँ पर हुए हैं, तो पुणे महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र के हैं और सेकेंड स्थान पे हरियाणा है। और यहाँ पर एक और इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, नरेंद्र मोदी ने 27 फेब 2019 को खेलो इंडिया ऐप को लॉन्च किया था विज्ञान भवन दिल्ली में, किसको प्रमोट करने के लिए? स्पोर्ट और फिटनेस। क्वेश्चन कैसे आएगा, स्पोर्ट्स और फिटनेस को प्रमोट करने के लिए हाल ही में कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो वो है खेलो इंडिया एप्लीकेशन, नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 फेब 2019 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? 3 दिसंबर की सेकेंड पारी में आया था, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्शीलिया। मार्शीलिया पौधा ये थेलोफाइटा समूह का नहीं है, तो कौन से समूह का है? तो ये है टेरिडोफाइटा समूह का है। यहाँ पर ये टेरिडोफाइटा थेलोफाइटा क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, रॉबर्ट वी टेकर ने जीवों का जो वर्गीकरण किया था, जिसमें जीवों को 5 जगत में बांटा था रॉबर्ट वी टेकर ने, पहला था मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। जो 5 जगत है इसमें एक था प्लांटी, जिसमें पेड़ वगैरह आते हैं, और फिर पेड़ों को जो प्लांटी जगत है उसको 5 वर्गों में बांटा है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और यहाँ पर जो पूछा गया है वो थेलोफाइटा के बारे में पूछा गया है। थेलोफाइटा जो समूह है इसमें विभेदन नहीं होता, जैसे कि पेड़ पौधे जड़ तने पत्तियों में विभेदित होता है, थेलोफाइटा समूह के जो पौधे होंगे पेड़ होंगे वो विभेदित नहीं होंगे। तो कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है? तो मार्शीलिया है टेरिडोफाइटा, जिसमें पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ तने पत्तियों में विभेदित होते हैं, तो मार्शीलिया होता है, इसलिए टेरिडोफाइटा समूह में आ जाता है। और बाकी जो कैलेडोफोरा है, कारा है और ये थुलोथरिक्स है, ये तीनों ही थेलोफाइटा समूह से संबंधित हैं। एक और एग्जांपल है थेलोफाइटा का, स्पाइरोगोरा, जो काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो ये भी थेलोफाइटा का है। और ब्रायोफाइटा के एग्जांपल की बात करें तो वो हो जाते हैं मोश है, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, ये ब्रायोफाइटा के हैं। और बाकी जो टेरिडोफाइटा का ये है आपके मार्सिलिया है, और फ्रन है, हार्स्टेल, ये टेरिडोफाइटा के हैं, तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो भाइयों की कहानी बताती हैं और साथ ही साथ इस बात का वर्णन करती हैं कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। 3 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये पुस्तक है दोस्तों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनके ऑथर का नाम है दोस्तों अरुंधति रॉय, जो कि इंडियन ऑथर है, इंग्लिश ऑथर, और इनकी ये डेब्यू नोवेल था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति रॉय का डेब्यू नोवेल था। और इस पुस्तक को 1997 में बुकर प्राइज़ मिला है, 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यहाँ पे लिखा गया, बुकर पुरस्कार विजेता, तो ये पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैकीग्लोसस हैं ये किसके बीच की एक योजक कड़ी है? तो दोस्तों ये है सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की योजक कड़ी है, जिसका नाम है टैकीग्लोसस। यदि क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार आ चुका है कि सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी का नाम बताइए, ये तो स्तनधारी और सरीसृपों के बीच की है टैकीग्लोसस, जिसे एकिडना भी बोला जाता है। और सरीसृपों और पक्षियों के बीच की जो योजक कड़ी है उसका नाम है आर्कियोपटेरिक्स। क्या नाम है? आर्कियोपटेरिस है शरीर सर्पों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी, हिंदी में आद्य पक्षी बोला जाता है आर्कियोपटेरिस को। और जो पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी का नाम है युगलिना, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है युगलिना। तो ये आया था आपके 3 दिसंबर के सेकेंड सेट में टैकीग्लोसस, इसे एकिडना बोला जाता है, ये शरीर सर्पों और स्तनधारियों के बीच की योजक कड़ी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे किस पार्टी से जुड़ी हुई है? ये भी 3 दिसंबर के सेकेंड पारी का है, तो थेरेसा मे है ये कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़ी हुई है, जो कि यूके की प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ का प्रमुख कौन है? तो जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके एमडी है क्रिस्टिन लागार्दे। कौन है दोस्तों? क्रिस्टिन लागार्दे हैं। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में इनके टोटल 189 कंट्रीज सदस्य हैं आईएमएफ के। अगला क्वेश्चन,
विश्व का पहला जेंडर साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? 1 दिसंबर की सेकेंड पारी का क्वेश्चन है। तो विश्व का पहला जेंडर साहित्य महोत्सव हुआ था पटना में, कब हुआ था? 7 से 9 अप्रैल 2017 को हुआ था विश्व का पहला जेंडर साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये 1 दिसंबर की सेकेंड पारी का है। तो फास्फोरिक एसिड है, इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो है H3PO4। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए गए थे, 3 ऑप्शन अन्य थे जो कि कंफ्यूज कर रहे थे। जो HPO4 है इसका नाम होता है हाइड्रोजन फॉस्फेट, और H2PO4 है ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन होता है, H2PO4 डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। और जो H3PO3 है इसे बोला जाता है फॉस्फोरस एसिड, IUPAC नाम है फॉस्फोनिक अम्ल, और सामान्य नाम है फॉस्फोरस एसिड H3PO3 का। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु को भारहीन बनाने के लिए पृथ्वी की घूर्णन अवधि क्या है? 1 दिसंबर सेकेंड पारी का क्वेश्चन है। तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु को भारहीन बनाने के लिए जो पृथ्वी की घूर्णन अवधि है वो है 84 मिनट है। कितनी? 84 मिनट। काफ़ी टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 1 दिसंबर के सेकेंड पारी में पूछा गया था, किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, करेक्ट आंसर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो में लाइक का टारगेट रख रहे हैं हम 1000 लाइक्स का। यदि इतना लाइक टारगेट कम्प्लीट हो जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊँगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।